नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। माँ सरस्वती के विद्या प्रदायक 12 नाम। दोस्तों, माँ सरस्वती के इन चमत्कारी सिद्ध 12 नामों के नित्य 3 बार पाठ करने से मनुष्य की जिह्वा के अग्रभाग पर सरस्वती जी विराजमान हो जाती है, अर्थात जो भी बात वह कहता है वह पूरी हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र और सोनक आदि ऋषि सरस्वती जी की साधना से ही सिद्ध हुए हैं। ब्रह्म वेवर्त पुराण के अनुसार सृष्टिकाल में ईश्वर की इच्छा से आदि शक्ति ने अपने को 5 भागों में विभक्त कर लिया था। वे राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। यही विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। पुस्तक और कलम में माँ सरस्वती का निवास माना जाता है, इसीलिए इनको कभी भी झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए और अपवित्र जगह पर नहीं रखना चाहिए। देवी भागवत के अनुसार आदिशक्ति ने अपने आप को 3 भागों में विभक्त किया, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से जानी जाती है। माँ सरस्वती की महिमा अपार है। इन्हें वेद में वाग देवी कहा गया है। वाग देवी को प्रसन्न कर लेने पर मनुष्य संसार के सारे सुख भोगता है, क्योंकि विद्या को सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माँ सरस्वती का नाम जप करना चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा से मनुष्य ज्ञानी, विज्ञानी, मेधावी, महर्षि और ब्रह्मर्षि हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गंगा और सरस्वती को एक समान माना है। गंगा पाप हारनी है तो माँ सरस्वती अविवेक हारनी है। माँ सरस्वती का द्वादश नाम स्त्रोत। प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसवाहिनी, पंचमम जगाती ख्याता, षष्ठम बागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमम ब्रह्मचारिणी, नवमम बुद्धमाता च, दशमम वरदायिनी, एकादशम चंद्रकांती, द्वादशम भुवनेश्वरी, दशदशानी नामानी, त्रिसंदेह पठे नर, जिवाग्रे वस्ते नित्यम ब्रह्म रूपा सरस्वती, सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमल लोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी विद्या देही नमस्तुते। के 12 नाम। भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, ख्याता, बागेश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धमाता, वरदायिनी, चंद्रकांती और भुवनेश्वरी। माँ सरस्वती के इन चमत्कारी सिद्ध 12 नामों के नित्य 3 बार पाठ करने से मनुष्य की जिह्वा के अग्रभाग पर माता सरस्वती विराजमान हो जाती है, अर्थात वो जो भी बात कहते हैं वह पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।